अगर आप कार, बाइक या ईंधन से चलने वाली कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो इन दिनों आपकी जेब भी हर रोज ढीली हो रही होगी। ऐसा हो भी क्यों ना, हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुका है। हम और आप हर रोज यही सोचते हैं कि तेल के दाम आखिर कब और कैसे नीचे आएंगे, लेकिन तेल का ये खेल इतना आसान नहीं है। माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल दुनिया के दो सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब। इन दोनों के बीच कुछ दिन पहले एक बैठक होने वाली थी जो आपसी मनमुटाव के चलते अटक गई। इस बैठक में तेल उत्पादन के कोटे को लेकर बात होनी थी। इसका असर तेल के सभी बड़े बाजारों पर पड़ा है, जो बातचीत थम जाने से अधर में फंस गए हैं। और इसकी वजह से 2014 के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर हैं। अब न जाने कब बातचीत होगी, क्योंकि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस, जिसमें रूस जैसे देश भी शामिल हैं, उसे अपनी बातचीत को अनिश्चित काल के लिए टालना पड़ा है। लेकिन सऊदी अरब और यूएई, जो एक दूसरे के करीबी समझे जाते हैं, उनमें मनमुटाव क्यों हो गया? ये प्रॉब्लम कुछ दिन पहले तब शुरू हुई जब संयुक्त अरब अमीरात ने ओपेक प्लस देशों के नेताओं सऊदी अरब और रूस के एक प्रपोजल को खारिज कर दिया। दोनों देशों ने प्रस्ताव ये रखा था कि अभी और 8 महीने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रतिबंधों को बनाए रखना चाहिए। दरअसल पिछले साल जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी तो तेल की मांग में अचानक कमी आ गई थी। तब सऊदी अरब और रूस की अगुवाई वाले इस संगठन ने तेल से होने वाली कमाई बनाए रखने के लिए उत्पादन में बड़ी कटौती की थी। इस रणनीति से फायदा भी हुआ था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात अब तेल उत्पादन की अपनी मौजूदा लिमिट पर फिर से बातचीत करना चाहता था। यूएई ने कहा कि उसे थोड़ा और तेल निकालने की आजादी दी जाए, हालांकि सऊदी अरब और रूस ऐसा करने के खिलाफ थे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूएई का ओपेक कोटा उसके तेल उत्पादन क्षमता के हिसाब से नहीं है। यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा लगाया है और अब मांग भी बढ़ रही है। यूएई पिछले साल से उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा है, जिसकी वजह से वो निराश है। ओपेक में दोनों देशों का टकराव दोनों में बढ़ते कॉम्पिटिशन को भी दिखाता है। हालांकि ये अभी भी नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरब और यूएई एक नई ओपेक डील पर सहमत होंगे या नहीं, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये दरार लंबे समय तक उनके रिश्तों पर असर नहीं डाल पाएगी। दोनों देशों के बीच पहले इससे भी बड़ी असहमतियां रह चुकी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात यही रहे तो तेल की कीमतें और बढ़ेंगी और इसका असर पहले से ही कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। लेकिन अगर इससे उल्टा होता है और ओपेक प्लस देश तेल उत्पादन के लिए तय अपने कोटे को नजरअंदाज करने का कदम उठाते हैं तो तेल की कीमतों का गिरना तय है।